माता सती का पावन चरित्र सुना और अब महर्षि मैत्रेय श्री विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी कर आपने सती जी का पावन चरित्र सुना। अब महाराज मनु के दो पुत्र, तीन बेटियां जो थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीनों का चरित्र हमने आपको सुना दिया। अब उनके दो बेटे हैं कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आप उत्तानपाद का चरित्र सुनो। जय उत्तानपादस्य सुनीति सुरचस्तयो सुरचि प्रेयसे पत्युर्नितरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अब यदि देखा जाए तो उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम ही उत्तानपाद हैं। जब मातृ गर्भ में हम रहते हैं तो हमारा पैर ऊपर रहता है। उत उधव पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद होता है। तो हम सभी उत्तानपाद हैं। अब हमारी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि जानते हो कहाँ हैं? हमारी जो बुद्धि होती है, बुद्धिमता, जो बुद्धिमता बुद्धि होती है, ऋषियों ने उसी को सुनीति का नाम, सुंदर नीति का नाम दिया है। और जो सुरुचि है, मनमानी बुद्धि, हमेशा हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो सबसे पहले सुरुचि हमें समझाती है, सुनीति हमें समझाती है, लेकिन हम उसकी आवाज को दबा देते हैं और फिर सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। आज वही हाल महाराज उत्तानपाद का है। सुनीति को अपने घर से निकाल दिया है और सुरुचि की दास्ता करने लगे हैं। दोनों रानियों के एक एक पुत्र हुए। जो बड़ी रानी थी सुनीति, उनके पुत्र का नाम है ध्रुव, और छोटी रानी जो सुरुचि है, उनके पुत्र का नाम है उत्तम। दोनों बालक बड़े हो गए हैं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास पहुंच गए, क्योंकि सुनीति को उत्तानपाद ने निकाल दिया था, बाहर उसका घर बनवा दिया था, बाहर ही सारा कुछ जाता था, खाने पीने की सामग्री राजमहल से निकाल दिया था। ध्रुव जी जब घूमते हुए अपने पिता के पास पहुंचे तो पुत्र वात्सल्य के कारण पिता ने ध्रुव जी को गोद में उठा लिया, लेकिन सुरुचि ने पहुंच करके और तुरंत ही ध्रुव जी को उनके गोद से छीन करके नीचे फेंक दिया। ध्रुव जी ने कहा, माता ये हमारे भी तो पिता हैं, आपने हमें नीचे क्यों उतार दिया? अब देवी सुरुचि कहती हैं कि तुम्हारा ये मनोरथ अधूरा रहेगा, कब तक? तुम्हारे पिता भले ही ये हों, लेकिन तुम इनके गोद में बैठने के अधिकारी तभी बन सकते हो जब हमारी कोक्षी से, हमारे कोख से जन्म लोगे। अब ध्रुव जी ने कहा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देवी सुरुचि समझा रही है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसे नृपासन। यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो सबसे पहले तप करो। अब देखिए, गर्भ में जीव को बहुत कष्ट रहता है और यहां पर देवी सुरुचि जो हैं वो भक्त का और भगवान का दोनों का अपमान कर रही हैं। भक्त से और भगवान से, दोनों से अपने गर्भ को श्रेष्ठ बता रही हैं कि भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाए तब तुम उनसे वरदान मांग लेना कि हमें माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दिलवा दो, तब तुम इस राज्य पर बैठने के अधिकारी होगे, पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी को देवी सुरुचि के बाण वचन जो हैं
बिल्कुल बाण की भांति लगे। मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्धः श्वसन रुषा दण्ड हतो यथा हित्वा मिसन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकामः। रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंच गए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसके द्वारा तुम्हें कष्ट मिला है? लेकिन ध्रुव जी का हृदय इतना विदीर्ण हो गया है, इतने दुखी हैं कि वचनों से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कष्ट क्या है। लेकिन ध्रुव जी के जो कुछ साथी थे, मित्र थे, उन लोगों ने सुरुचि को, सुनीति को ज्यों का त्यों बता दिया, क्योंकि बालकों का हृदय जो होता है बहुत ही निष्कपट होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। जैसी बात थी सेम बता दिया कि ऐसे ऐसे कार्य हुआ है, इसलिए ध्रुव जी रो रहे हैं। अब जब बालकों की बात देवी सुनीति ने सुना तो बहुत दुखी हुई। जिस प्रकार से एक कली होती है और सुबह सुबह खिली हो, बाद में वहीं पर आग जला दिया जाए तो मुरझा जाती है, उसी प्रकार से सुनीति का खिला हुआ मुख कमल एकदम से मुरझा गया। लेकिन अपने अंदर के भावों को समेट करके और ध्रुव जी को समझाती हैं, क्या कहती हैं? सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान मे यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा, तुम्हारी दूसरी माँ सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। जब तुमने हमारी जैसी दुर्भागिनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो तुम राज के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। ध्रुव जी कह रहे, माता जी एक तो उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें अभागिनी कहा है, और दूसरा तुम उन्हीं के बातों का अनुमोदन कर रही हो, उन्हीं के बातों का समर्थन कर रही हो। सुनीति ने कहा, बेटा मैं कहां अपने आप को भागिनी मानती हूं, अरे मैं तो दुर्भागिनी हूं ही, और यदि किसी दुर्भागिनी को किसी ने दुर्भागिनी कह दिया तो इसमें क्या बुराई है, मैं अपने आप को कहां से भाग्यवान मानती हूं। सब कुछ होते हुए पति से, राज से, वैभव से, सभी चीजों से तो मैं वंचित हूं, मैं किस तरफ से अपने आप को सौभाग्यनी मान लूं। तो ध्रुव जी ने कहा, माता जी यदि आप उन्हीं माता सुरुचि के वचनों का अनुमोदन कर रही हैं तो आप बताइए कि हमें करना क्या चाहिए। तो सुनीति ने कहा, बेटा जो सुरुचि ने कहा है, तपसा राध्य पुरुषम, तप करो। अरे जो राज्य तुम्हारे पिता को प्राप्त हुआ है उसको भी तो परम पिता ने ही दिया है, और मैं तो कहती हूं कि तुम अपने पिता का परिचय पूछते थे, जो मैं तुम्हें आजीवन में आज तक परिचय तुम्हारे पिता का नहीं बता पाई, उस परिचय को आज तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने बता दिया है। अब तुम जाओ और तप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तब आना। अब ध्रुव जी छोटे से हैं लेकिन इनके दिल में वो बात एकदम से बैठ गई, और आज अपनी माँ सुनीति से पूछते हैं, मैया भगवान को जिसको तुम तप करने के लिए कह रही हो, जिनकी तपस्या करने के लिए कह रही हो, वो है कौन, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है? तो सुनीति कहती हैं, हरि व्यापी सर्वत्र समाना, भगवान हरि एक जगह व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, परमात्मा का निवास कण कण में है, अणु अणु में है। जहां तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी वहीं परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हरि व्यापी सर्वत्र समाना, हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापी सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमोत प्रगट होय माय जाना, ओ प्रेमोत प्रगट होय माय जाना, अग जग माया सब रहित विरागी,
जग जग रही तब रहित विरागे प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमयागी ओ प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमयागी प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमयागी बेटा परमात्मा का निवास सर्वत्र है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग होती है उसी प्रकार से परमात्मा का निवास कण कण अणु अणु में सब में है। लेकिन परमात्मा प्रकट कैसे होगा? जहां पर तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी वहीं पर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आज छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव जी ने अपनी माता से कहा कि मैया जब परमात्मा कण कण में अणु अणु में व्याप्त है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? आज सुनीति बहुत सुंदर उपदेश दे रही। पुत्र पुष्प के कणकण में सुगंध होती है, पुष्प के कणकण में सुगंध होती है लेकिन दिखती नहीं है। दूध के कणकण में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा कणकण में विद्यमान है लेकिन दिखता नहीं है। और आज जब ध्रुव जी को माता सुनीति ने इस प्रकार समझाया है तो ध्रुव जी के मन में तपस्या करने का निश्चय दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब तो हम परमात्मा को प्रसन्न करके ही मानेंगे। और ध्रुव जी भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए और जंगल की ओर चल पड़े। परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? आदर्श दिखा दे मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। ये तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे मेरे शाम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हरि बोल। हे पास ना घर है आंगन ना, हे तेरे राहों में आके खड़ा हूँ, अब तो दर्श दिखा दे। ओ, ओ तेरे राहों में आके खड़ा हूँ, अब तो दर्श दिखा दे। ये आँखों में आंसू सूख चुके हैं, अब तो गले लगा ले। ओ तेरी लीला निराली मेरे श्याम, ओ तेरी लीला निराली मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे।
ओ बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। वो तेरे सिवा कोई साथी नहीं है, आकर तू गले लगा ले। ओ तेरे सिवा कोई साथी नहीं है, आकर तू गले लगा ले। वो क्यों देर लगाए मेरे साम, ओ क्यों देर लगाए मेरे साम, तुझे तेरे काल बुलाते हैं। आदरस दिखा जा मेरे साम, तुझे तेरे काल बुलाते हैं। माता सती का पावन चरित्र सुना, और अब महर्षि मैत्रेय श्री विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी कर आपने सती जी का पावन चरित्र सुना। अब महाराज मनु के दो पुत्र, तीन बेटियां जो थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तीनों का चरित्र हमने आपको सुना दिया। अब उनके दो बेटे हैं कौन कौन, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब आप उत्तानपाद का चरित्र सुनो। जाए उत्तानपादस्य सुनीति हि सुरचस्तयो सुरचि प्रेयसे पत्युर्नितरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। अब यदि देखा जाए तो उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम ही उत्तानपाद हैं। जब मातृ गर्भ में हम रहते हैं तो हमारा पैर ऊपर रहता है। उत उधव पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद होता है। तो हम सभी उत्तानपाद हैं। अब हमारी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि जानते हो कहाँ हैं? हमारी जो बुद्धि होती है, बुद्धिमता, जो बुद्धिमता बुद्धि होती है, ऋषियों ने उसी को सुनीति का नाम, सुंदर नीति का नाम दिया है। और जो सुरुचि है, मनमानी बुद्धि, हमेशा हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो सबसे पहले सुरुचि हमें समझाती है, सुनीति हमें समझाती है, लेकिन हम उसकी आवाज को दबा देते हैं और फिर सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। आज वही हाल महाराज उत्तानपाद का है। सुनीति को अपने घर से निकाल दिया है और सुरुचि की दास्ता करने लगे हैं। दोनों रानियों के एक एक पुत्र हुए। जो बड़ी रानी थी सुनीति, उनके पुत्र का नाम है ध्रुव, और छोटी रानी जो सुरुचि है, उनके पुत्र का नाम है उत्तम। दोनों बालक बड़े हो गए हैं। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास पहुंच गए, क्योंकि सुनीति को उत्तानपाद ने निकाल दिया था, बाहर उसका घर बनवा दिया था, बाहर ही सारा कुछ जाता था, खाने पीने की सामग्री राजमहल से निकाल दिया था। ध्रुव जी जब घूमते हुए अपने पिता के पास पहुंचे तो पुत्र वात्सल्य के कारण पिता ने ध्रुव जी को गोद में उठा लिया, लेकिन सुरुचि ने पहुंच करके और तुरंत ही ध्रुव जी को उनके गोद से छीन करके नीचे फेंक दिया। ध्रुव जी ने कहा, माता ये हमारे भी तो पिता हैं, आपने हमें नीचे क्यों उतार दिया? अब देवी सुरुचि कहती हैं,
कि तुम्हारा ये मनोरथ अधूरा रहेगा। कब तक? तुम्हारे पिता भले ही ये हो लेकिन तुम इनके गोद में बैठने के अधिकारी तभी बन सकते हो जब हमारी कोक्षी से, हमारे कोख से जन्म लोगे। अब ध्रुव जी ने कहा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देवी सुरुचि समझा रही हैं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसे नृपासन। यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो सबसे पहले तप करो। अब देखिए गर्भ में जीव को बहुत कष्ट रहता है और यहां पर देवी सुरुचि जो हैं वो भक्त का और भगवान का दोनों का अपमान कर रही हैं। भक्त से और भगवान से दोनों से अपने गर्भ को श्रेष्ठ बता रही हैं कि भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाए तब तुम उनसे वरदान मांग लेना कि हमें माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दिलवा दो, तब तुम इस राज्य पर बैठने के अधिकारी होगे, पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी को देवी सुरुचि के बाण वचन जो हैं बिल्कुल बाण की भांति लगे। मातुः सपत्न्या सदुरुक्त विद्धः श्वसन रुषा दण्डहतो यथा हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्रजुदन सकामः। रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंच गए। सुनीति ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसके द्वारा तुम्हें कष्ट मिला है? लेकिन ध्रुव जी का हृदय इतना विदीर्ण हो गया है, इतने दुखी हैं कि वचनों से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कष्ट क्या है। लेकिन ध्रुव जी के जो कुछ साथी थे, मित्र थे, उन लोगों ने सुरुचि को, सुनीति को ज्यों का त्यों बता दिया, क्योंकि बालकों का हृदय जो होता है बहुत ही निष्कपट होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। जैसी बात थी सेम बता दिया कि ऐसे ऐसे कार्य हुआ है इसलिए ध्रुव जी रो रहे हैं। अब जब बालकों की बात देवी सुनीति ने सुना तो बहुत दुखी हुई। जिस प्रकार से एक कली होती है और सुबह सुबह खिली हो बाद में वहीं पर आग जला दिया जाए तो मुरझा जाती है, उसी प्रकार से सुनीति का खिला हुआ मुख कमल एकदम से मुरझा गया। लेकिन अपने अंदर के भावों को समेट करके और ध्रुव जी को समझाती हैं, क्या कहती हैं? सत्यम सुरुच्या भिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा तुम्हारी दूसरी माँ सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है, जब तुमने हमारी जैसी दुर्भागिनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो तुम राज के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। ध्रुव जी कह रहे माता जी एक तो उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें अभागिनी कहा है, और दूसरा तुम उन्हीं के बातों का अनुमोदन कर रही हो, उन्हीं के बातों का समर्थन कर रही हो। सुनीति ने कहा बेटा मैं कहां अपने आप को भागिनी मानती हूं, अरे मैं तो दुर्भागिनी हूं ही, और यदि किसी दुर्भागिनी को किसी ने दुर्भागिनी कह दिया तो इसमें क्या बुराई है, मैं अपने आप को कहां से भाग्यवान मानती हूं। सब कुछ होते हुए पति से, राज से, वैभव से, सभी चीजों से तो मैं वंचित हूं, मैं किस तरफ से अपने आप को सौभाग्यनी मान लूं। तो ध्रुव जी ने कहा माता जी यदि आप उन्हीं माता सुरुचि के वचनों का अनुमोदन कर रही हैं तो आप बताइए कि हमें करना क्या चाहिए। तो सुनीति ने कहा बेटा जो सुरुचि ने कहा है तपसा राध्य पुरुषम तप करो। अरे जो राज्य तुम्हारे पिता को प्राप्त हुआ है उसको भी तो परम पिता ने ही दिया है, और मैं तो कहती हूं कि तुम अपने पिता का परिचय पूछते थे, जो मैं तुम्हें आजीवन में आज तक परिचय तुम्हारे पिता का नहीं बता पाई उस परिचय को आज तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने बता दिया है। अब तुम जाओ और तप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब आना। अब ध्रुव जी छोटे से हैं लेकिन इनके दिल में वो बात एकदम से बैठ गई,
और आज अपनी माँ सुनीति से पूछते हैं, मैया भगवान को जिसको तुम तप करने के लिए कह रही हो, जिनकी तपस्या करने के लिए कह रही हो, वो है कौन, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है? तो सुरुचि कहती, सुनीति कहती हैं, हरि व्यापी सर्वत्र समाना, भगवान हर एक जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, परमात्मा का निवास कण कण में है, अणु अणु में है। जहां तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, वहीं परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हरि व्यापी सर्वत्र समाना, हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापी सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय माय जाना, ओ प्रेम ते प्रगट होय माय जाना, अग जग माय सब रहित विरागी, अग जग रही तब रहित विरागे, प्रेम ते प्रभु प्रगट जे मुयागी, ओ प्रेम ते प्रभु प्रगट जे मुयागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जे मुयागी। बेटा, परमात्मा का निवास सर्वत्र है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग होती है, उसी प्रकार से परमात्मा का निवास कण कण अणु अणु में सब में है। लेकिन परमात्मा प्रकट कैसे होगा? जहां पर तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, वहीं पर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आज छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव जी ने अपनी माता से कहा कि मैया, जब परमात्मा कण कण में अणु अणु में व्याप्त है, तो फिर दिखता क्यों नहीं है? आज सुनीति बहुत सुंदर उपदेश दे रही। पुत्र, पुष्प के कणकण में सुगंध होती है, पुष्प के कणकण में सुगंध होती है लेकिन दिखती नहीं है। दूध के कणकण में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा कणकण में विद्यमान है लेकिन दिखता नहीं है। और आज जब ध्रुव जी को माता सुनीति ने इस प्रकार समझाया है, तो ध्रुव जी के मन में तपस्या करने का निश्चय, दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब तो हम परमात्मा को प्रसन्न करके ही मानेंगे। और ध्रुव जी भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए और जंगल की ओर चल पड़े। परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? आदर्श दिखा दे मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, ये तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, आदर्श दिखा दे मेरे शाम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हरि बोल। हे पास ना घर है आंगन ना, ए तेरे राहों में आके खड़ा हूँ,
अब तो दर्श दिखा दे। ओ, ओ तेरे निगाहों में आके खड़ा हूँ, अब तो दर्श दिखा दे। ये आँखों में आंसू सूख चुके हैं, अब तो गले लगा ले। तेरी लीला निराली मेरे श्याम, ओ तेरी लीला निराली मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। भंवर में नैया पड़ी है, आकर तो पार लगा दे। ओ, ओ बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तो पार लगा दे। वो तेरे सिवा कोई साथी नहीं है, आकर तो गले लगा ले। ओ तेरे सिवा कोई साथी नहीं है, आकर तो गले लगा ले। ओ क्यों देर लगाए मेरे श्याम, ओ क्यों देर लगाए मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। सूरज गम की बदरिया छाई, वो डूब रहा है। सुख का सूरज गम की बदरिया छाई, ये बुझड़ गई है बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। वो बुझड़ गई है बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। ओ कर बिनती सेवक श्याम, ओ कर बिनती सेवक श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हुआ आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। ये डो 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 पुकारे मेरे नैन, ये तुझे डो डो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हुआ आदर्श दिखा जा मेरे श्याम, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे तेरे लाल बुलाते। राधे श्याम। इस प्रकार से पहले संत कृपा जरूरी है। जब भगवान किसी के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं तो संतों को पहले भेज देते हैं। आज भगवान ने तुरंत देवर्षि नारद को भेजा है। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संतों का दर्शन नहीं होता है। आज नारद जी ने कहा कि देखें
ध्रुव जी का वैराग्य उच्च कोटि का है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा छोटा सा बालक है, माता की आज्ञा का बुरा मान करके और जंगल में तो चला आया है, लेकिन क्या यह तपस्या कर पाएगा? आज नारद जी परीक्षण करने के लिए प्रकट हो गए हैं और जैसे ही ध्रुव जी से पूछ रहे, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बता दी, ऐसी ऐसी बात है, मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, बेटा तुम जैसे छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने माता पिता के छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे माता है, कह दिया, क्या हुआ? ना धुना न प्यवामानं ते सम्मानं वापि पुत्र कः लच्छया महकुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। पुत्र, तुम्हें इतना मान और अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। और तुम्हें मालूम है, ऐसे ऐसे ऋषि तुम्हें जंगल में मिलेंगे जिनकी तपस्या करते करते सारी उम्र बीत गई, लेकिन भगवान के दर्शन की तो बात छोड़ो, साक्षात्कार भी नहीं हुआ, समाधि में भी दर्शन नहीं हुए, और तुम इतने छोटे होकर के परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चले हो। लेकिन ध्रुव जी ने क्या कहा, महाराज यस्य दैत्येव विहितं सा तेन दुःख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः परावृच्छति। महाराज आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि ये बात हमें कोई पहले समझाता तो मैं मान लेता, लेकिन आपके ये अमृत तुल्य जो वचन हैं, ये हमारे हृदय में वैसे ही नहीं टिक रहे हैं जैसे कोई छलनी लेकर के और गाय का अमृतमय दूध दुहने बैठ जाए, दूध निकालना हो और छलनी लेकर के बैठ जाए। मैं मानता हूं कि आपकी जो बात है, जो वाणी है, वो अमृत तुल्य है, लेकिन हृदय मेरा जो है अपने सौतेली माँ सुरुचि के वचनों से विदीर्ण हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, इसलिए आपकी अमृतमयी वाणी अब हमारे हृदय में नहीं रुकने वाली। और नारद जी जानते थे कि ये लौटने वाले नहीं, लेकिन फिर भी परीक्षण कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं, कई लोगों का वैराग्य जो होता है बहुत ही क्षणिक होता है, घर में कोई झगड़ा लड़ाई हो गई थोड़ी सी कि अब हम जा रहे हैं बाबा बनने, लेकिन एक किलोमीटर गए नहीं कि फिर विचार परिवर्तित हो गया। तो इसलिए नारद जी ध्रुव जी का परीक्षण कर रहे हैं कि क्या सच्चा वैराग्य है ध्रुव के अंदर, और आज ध्रुव जी का जब परीक्षण कर लिया है तो नारद जी ने तुरंत कहा, जाओ बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें नारायण का दर्शन अवश्य होगा, लेकिन क्या तुमने गुरु बनाया है? प्रहलाद जी ने कहा, सरकार गुरु रूप का तो मतलब ही मुझे नहीं मालूम। नारद जी ने कहा, बिना गुरु के भगवान की कृपा नहीं होती है। आज ध्रुव जी कह रहे हैं, महाराज गुरु को हम कहां ढूंढने जाएं, अब यदि आप मिल गए हो तो आप ही हमें दीक्षा दे दो। और आज नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नारद ध्रुव जी महाराज को दीक्षा दिया है और कहते हैं कि पुत्र अब तुम सीधे यहां से जाओ वृंदावन में, जहां पर पावन यमुना के तट पर बैठकर और भगवान का भजन करो। देखिए मंत्र का मतलब क्या होता जानते हैं? मंत्र का मतलब होता है मननात त्रायते इति मंत्रः, जो मनन किया जाए वो मंत्र होता है, मंत्र का कीर्तन नहीं होता। एक ही मंत्र है जिसका कीर्तन होता है, वो कौन सा मंत्र है? हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और सभी मंत्रों का मनन किया जाता है। और इस प्रकार से नारद जी जब इनको उपदेश देकर के गए हैं तो ध्रुव जी सीधे वहां से वृंदावन पधारे हैं और पावन यमुना में स्नान करके और यमुना के पावन पुलिन तट पर समाधि लगा करके बैठ गए हैं। अब देखिए समाधि लगाने का तरीका क्या है, ध्रुव जी कैसी तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी जब समाधि में बैठे हैं तो क्या है, तिरा त्रांते तिरा तांत्र कपित्थ बदरासना, तीन दिन पर एक बार फल का आहार लेते हैं ध्रुव जी, तीन दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और तीसरे दिन फल खाते हैं। हम देखते हैं कई लोग होते हैं ना, किसी का देखा कि ये आदमी बहुत तपस्या कर रहा है, व्रत कर रहा है, और हमने भी नियम ले लिया अब किस बार जो दुर्गा नवरात्र आएगा उसका पालन हमें बिल्कुल निराहार करना है, अब किस बार जो नवरात्र आएगा उसमें हम बिल्कुल निर्जल व्रत करेंगे। लेकिन होता क्या है, तीन दिन का व्रत तो बीत गया, किसी तरीके से चौथे दिन बोतल चढ़ानी पड़ रही है। प्रेम से बोले राधे राधे। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि हमारे शरीर को कसौटी पर कसो। ध्रुव जी महाराज गए हैं तो तिरा त्रांते कपित्त बदरासना, तीन दिन पर एक बार फल का आहार करते हैं और एक महीना यही क्रम से बीता और दूसरा मास जब आया है द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने, अब छह दिन पर सिर्फ पत्ते खाते हैं, छह दिन पर सिर्फ पत्ते खाते हैं। जब तीसरा महीना आया तो नौ दिन पर सिर्फ जल पीते हैं और जब चौथा महीना आया तो बारह दिन पर सिर्फ वायु का आहार करके जीते हैं। ध्रुव जी की तपस्या का जब पांचवा महीना आया तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि श्वास भी लेना बंद कर दिया, भगवान के चरण कमलों में अपने प्राण को अवरुद्ध कर दिया, वही रोक दिया, और जब वो श्वास भी नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजिनादिमोक्षम् प्राप्ता वयम् त्वं शरणम् शरण्यम्। सारे देवता भाग करके भगवान नारायण के शरण में गए हैं, प्रभु क्या हुआ, हमारी प्राण वायु क्यों अवरुद्ध हो रही है, हमें श्वास लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, हमारे प्राण वायु को किसने अवरुद्ध कर दिया है, किसने रोक दिया है। आज भगवान ध्रुव जी के बारे में बताते हैं कि हमारा एक ऐसा भक्त है जिसने प्राणायाम के द्वारा अपने आप को हमारे चरणों में समर्पित करके अपनी श्वास रोक दी है और तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी जाकर के उसको दर्शन दे करके और तुम लोगों की जो प्राण वायु रुकी हुई है वो पुनः स्वतंत्र हो जाएगी। लेकिन देखिए व्यास जी ने भागवत में लिखा है कि भगवान आज ध्रुव को दर्शन देने नहीं, भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, अभी तो अपने ऐसे परम भागवत के दर्शन करने जा रहे हैं। मधुर वनम घृत दिदिक्षया गतः, भगवान आज ध्रुव का दर्शन करने गए, देने नहीं करने गए। और भगवान दर्शन जब करने गए हैं तो भगवान तो सामने बैठे हैं लेकिन ध्रुव जी को जो भगवान सामने बैठे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, उनकी सांवली सलोनी सूरत तो उनके हृदय में बसी हुई है, बाहर तो देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कि लगता है इनको ऐसे पता लगने वाला नहीं है, जब तक इनको हमारे हमारी सूरत जो है अंतर आत्मा में दिखती रहेगी तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। और आज भगवान ने उनके अंतर हृदय से अपनी चतुर्भुज सलोनी सूरत गायब कर ली और जैसे ही गायब किया है ना, ध्रुव जी तुरंत छटपटा करके उठ गए, क्या हुआ, अरे जिस सूरत का मैं दर्शन कर रहा था वो मूरत कहां गई।
और जब देखते हैं ना तो जो सूरत अंदर विद्यमान थी आज वही भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी तो चौंक गए, सारी बातें तो गुरु जी से पूछ ली, माता जी से पूछ ली, लेकिन अब मैं क्या करूं। अरे भगवान प्रकट तो हो गए, हमने इतना ही पूछा था भगवान मिलेंगे कैसे, अब हमें ये नहीं मालूम कि भगवान मिल गया, इनसे कहना क्या है, करूं क्या। यदि पूजा करूं तो हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, हार फूल चंदन रोली कुछ नहीं है ना, अगर जल भी अर्पित करना हो तो लोटा भी नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। भगवान ध्रुव जी के मन के भावों को समझ गए और तुरंत ही अपने शंख को ध्रुव जी के कंठ पर लगाया। परस्पर्श बाले कृपया कपोले, जैसे ही ध्रुव जी के कंठ से अपना शंख का स्पर्श कराया है कि ध्रुव जी की जो बाणी है ना वो दिव्य हो गई, और दिव्य बाणी के साथ में तुरंत क्या हुआ, भगवान की शंख में भगवान की कृपा में ऐसा चमत्कार है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्द माधव। ध्रुव जी की तुरंत बाणी दिव्य हो गई। सभी लोग एक बार शांत होकर के बैठ जाइए, बारिश हो रही है, ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस में भगवान का जन्म होगा और भगवान के जन्म के दिन बारिश होना बहुत ही उत्तम माना जाता है। किसी भी अनुष्ठान में यदि बारिश हो जाए तो अनुष्ठान सिद्ध माना जाता है, सफल माना जाता है, और आज तो परमात्मा का जन्म है और भगवान जिस दिन जन्म हुए थे उस दिन तो पूछो मत कितनी बरसात हुई थी। तो आज यदि भगवान की, देखिए आप लोगों के कथा श्रवण के, जो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इससे भगवान भी प्रसन्न हैं, देवता भी प्रसन्न हैं, और ये बरसात नहीं बल्कि ये देवता के पुष्प हैं, भगवान पुष्प रूपी बरसात का बरसात कर रहे हैं। भागवत में आगे आप सुनोगे कि जब वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल जा रहे थे ना, तो मेघों ने सोचा कि हमारे घनश्याम भी सांवले, हम भी सांवले, तो हम इनका स्वागत कैसे करें, परमात्मा का स्वागत कैसे करें। लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयो यो मे भक्त्या प्रयक्षति, जो तुम्हारे पास है वही दे दो। आज मेघों ने मंद मंद वृष्टि करनी शुरू कर दी है, तो मुझे लगता है कि भगवान भी हमारी इस कथा से प्रसन्न होकर के, आप लोगों की इस श्रद्धा से प्रसन्न होकर के और पुष्प रूपी बरसात कर रहे हैं। तो इसलिए सब लोग शांति से बैठ करके कथा श्रवण करिए, क्योंकि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। प्रेम से बोले राधे राधे, और जोर से बोले राधे राधे। तो ध्रुव जी की बाणी दिव्य हो गई है और ध्रुव जी बहुत ही सुंदर से परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। यौवन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तं संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्नः अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। धन्य है प्रभु जो हमारी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, आपने हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया। एक मुख की तो बात छोड़ो, यदि 1000 मुख से आपके गुणों का बखान किया जाए तब भी संभव नहीं है। स्वयं शेषनाग ब्रह्मा जी भगवान शिव आपके गुण जब नहीं गा सकते हैं तो मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूं, मैं आपका क्या कर सकता हूं। भगवान ने तुरंत ध्रुव को अपने गोद में उठा लिया है। पुत्र मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा सरकार आपको देखने के बाद अब कोई इच्छा शेष नहीं है, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूं। लेकिन भगवान तो व्यक्ति के अंतर आत्मा के भावों को जानते हैं ना, यदि हम भगवान से मांगते हैं तो समझो हम भगवान को छोटा बना रहे हैं, क्योंकि भगवान
प्रत्येक व्यक्ति के अंतर बैठ करके और उसकी सभी भावों को समझता है, ये नहीं कि भगवान से कुछ छुपा हुआ है। तो ध्रुव जी ने कहा सरकार हमारे मांगने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हम जानते हैं तुम राज्य की कामना से आए थे, इसलिए जाओ तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता के राज्य को भोगो और पुनः हमारे परम पद को प्राप्त हो जाओ। ध्रुव जी को दर्शन देकर के आशीर्वाद देकर के भगवान तो चले गए हैं, लेकिन ध्रुव जी को जैसे लगा कि हम ठग लिए गए। अरे परमात्मा जब प्राप्त हो जाए फिर भी हमें भौतिक वस्तु राज्य मांग करके कितना तुच्छ चीज मांग ली, जब परमात्मा ही मिल जाए तो फिर और शेष क्या रह जाता है। लेकिन ध्रुव जी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज अपने राज्य में आए हैं, और जैसे ही उनके पिता उत्तानपाद ने सुना है ना, सारी फौज के साथ सारे राज दरबारियों के साथ में स्वागत करने के लिए ध्रुव जी महाराज का आगे ही पधारे हैं। बड़ा ही दिव्य भव्य स्वागत हुआ है श्री ध्रुव जी महाराज का, और अपने महल में ले गए हैं। सुंदर हाथी के दांतों की सैया पर उनको विश्राम कराया है, जिसके गद्दे बिल्कुल दूध के समान सफेद हैं। और आज महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके और स्वयं वन को चले गए। जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। उसी प्रकार से चार आश्रम होते हैं। कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 50 साल के बाद घर की आसक्ति छोड़ देना चाहिए। 50 साल के बाद देखिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, पढ़ाई करो, जो भी अपने जीवन में उपयोगी चीज है उसका अनुसरण करो, अनुकरण करो। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, 25 साल तक गृहस्थ आश्रम को बड़े प्रेम से निभाओ। लेकिन जब 50 साल के हो जाओ तो घर से आसक्ति धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि एक बैग तो आसक्ति छूटती है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे असंग होना शुरू करो। और फिर 75 साल में जब संन्यास की, 50 साल के बाद में जो वानप्रस्थ की आश्रम जो बताया गया है, इसमें ये नहीं कि घर छोड़कर के जंगल चले जाओ, इसका मतलब है कि आसक्ति का परित्याग करो और सबको समान दृष्टि से देखो। और जब 75 साल के हो जाओ फिर सन्यासी हो जाओ। सन्यासी का मतलब होता है कि उसका अपने पास कुछ नहीं रहता, जो एक पटके का भी संग्रह ना करे, एक लंगोटी का, एक धोती का भी संग्रह ना करे, पृथ्वी को ही अपना बिछौना मान ले, जो परमात्मा ने पेड़ों में फल दे दिए हैं वही को अपना भोजन मान ले, जो पेड़ों में छाल हैं उसी को अपना वस्त्र मान ले, वही श्रेष्ठ सन्यासी होता है। और उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को राज्य का भार सौंप दिया है और स्वयं वन में चले गए हैं। और ध्रुव जी महाराज, इनका विवाह हुआ है और बड़े ही प्रेम के साथ अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है इन्होंने, और इनके दो कन्या और दो पुत्र हुए। कन्या का नाम है इला और भ्रमी, और पुत्र का नाम है उत्कल और वत्सर। दो पुत्र दो कन्या हुई हैं। और एक दिन इनका छोटा भाई जो था उत्तम शिकार खेलने गया था, और शिकार खेलते खेलते जानते हो क्या हुआ, गंधर्वों से इसकी लड़ाई हो गई। और जब गंधर्वों से लड़ाई हो गई तो गंधर्वों ने इसको मार डाला, उत्तम को मार डाला। कुबेर के अनुचरों ने उत्तम को मार डाला। अब जब उत्तम मारा गया तो उसकी माता जो सुरुचि थी
उन्होंने भी जंगल में जाकर के अपना प्राणांत कर दिया। हमारा पुत्र नहीं रहा तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा। और जब ध्रुव जी को पता चला तो तुरंत गंधर्वों पर चढ़ाई कर दिया। और गंधर्वों पर चढ़ाई किया है, सारे गंधर्व मारे गए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि ध्रुव जी ही मूर्छित हो गए। और ध्रुव जी जब मूर्छित हो गए, सारी गंधर्व सेना ने ध्रुव जी को घेर लिया। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसको कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो इसलिए गंधर्वों की सेना से चारों तरफ से ध्रुव जी महाराज घिरे हुए हैं। लेकिन जैसे बादलों को चीर करके सूर्य का उदय हो जाता है, आज ध्रुव जी महाराज ऐसे ही सभी शत्रुओं के बीच में तुरंत उनका रथ चमका है और तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र उठाया है ना, तुरंत उनके दादा मनु महाराज जी प्रकट हो गए। नायम ही मार्गो साधु नाम पुत्र, इस साधुओं का रास्ता नहीं है। अरे तुमने अपने एक भाई के बदले में इतने गंधर्वों को तो मार डाला, अब और क्या करना चाहते हो। जब ध्रुव जी को उनके बाबा महाराज मनु ने समझाया तो लड़ाई का वहीं विराम हो गया है। और ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को राज्य का भार सौंप करके बद्रिकाश्रम चले गए तपस्या करने के लिए। समय बीतता गया और ध्रुव जी का जो कार्यकाल था पृथ्वी पर रहने का, जब वो पूरा हुआ तो स्वयं भगवान के दूत ध्रुव जी के पास आ गए हैं और ध्रुव जी से बोले, सरकार आपके यहां रहने की अवधि समय पूरा हो गया है, अब आप भगवान के दिव्य लोक को प्रस्थान करो। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही आचमनी करके और भगवान के दिव्य विमान में बैठने के लिए आगे बढ़े तो क्या हुआ, तुरंत काल खड़ा हो गया। सरकार पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो आया है वो बिना मुझे स्वीकार किए नहीं जा सकता, सबसे पहले मुझे स्वीकार करो। अब मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, पहले मर जाओ फिर जाओ। ध्रुव जी भगवान के पारखदों की तरफ देखने लगे और पारखदों ने कहा कि काल से बोलो अपना सर नीचे करे। और ध्रुव जी महाराज ने कहा है कि अपना सर नीचे करो। और क्या, जैसे ही काल ने अपना सर नीचे किया है कि ध्रुव जी ने तुरंत पैर उसके सर पर रख दिया है। मृत्यु मूर्धनम पदम दत्वा आरुहो हाथ भूतम ग्रहम, तुरंत उसके सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज दिव्य विमान में बैठ गए हैं। लेकिन जब ध्रुव जी का विमान जा रहा था ना, तो ध्रुव जी अपने मन में सोचने लगे कि हमने तो एक बहुत भारी गलती कर दी, अब बताइए गलती क्या की है। जब ध्रुव जी का मुंह लटका दिखा ना, तो पारखदों ने पूछ लिया, ध्रुव क्या बात है, अरे तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है। अब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महाराज क्या बताएं, जिस माता ने हमें इस परम पद का अधिकारी बनाया उस माँ को तो मैं घर पे ही छोड़ के आया। आज पारखद बता रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज, जिस माँ ने तुम्हें इतना बड़ा उपदेश दिया है, जिसका पुत्र स्वयं भगवान के दिव्य लोक को जा रहा है, क्या उसके माँ की कभी अधोगति हो सकती है। वो देखो सामने, और जब देखा तो ऊपर एक दिव्य विमान जा रहा था और बोली ये तुम्हारी माँ है। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए और तुरंत भगवान के पारखदों के साथ दिव्य ध्रुव लोक में पहुंच करके और वहां पर विराजमान हो गए। आज भी शादियों में ध्रुव तारा दिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो अटल होता है, उनका दिव्य लोक अटल लोक है। ध्रुव जी अपने लोक में विमान विराजित हो गए हैं। अब देखिए भगवान की यदि भक्ति की जाए, अब आप विचार करिए कि ध्रुव जी को कोई भक्ति की वो तो नहीं थी कि हमें भक्ति करना है, लेकिन उन्होंने भक्ति क्यों की थी। ध्रुव सगलानी जप्यो हरिनाऊ,
और पावा परम अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने अपनी माता के वचनों से व्यथित होकर के भगवान का नाम लिया था और परम सुंदर स्थान उनको मिल गया। तब जरा विचार करिए कि यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो क्या हमारे लिए कुछ असंभव है?